दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पाताल लोक में नाबालिग गैंग की दहशत है। भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में हाल ही में गैंगवार के चलते एक लड़की के पेट में गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले कई सालों से नाबालिग गैंग एक्टिव है। आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग गैंगस्टरों ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल गैंगवार की इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं इसमें घायल समीर को जब प्रवेश चंद अस्पताल ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर कर दिया है। बता दें कि ये वही सुभाष मोहल्ला है जहां माया नाम के नाबालिगों के गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। बॉलीवुड मूवी शूट आउट एट लोखंडवाला से प्रेरित हुआ समीर उर्फ माया ने नशा और जल्द पैसे कमाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर किंग माया 302 आईडी का एक अकाउंट भी बना रखा है, जिसमें करीब 2000 लोग फॉलोअर्स भी हैं। माया अक्सर एक से एक हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो अपलोड करता है। हालांकि अब माया बालिग हो चुका है, वो बीते साल ही 18 साल का हुआ है। इससे पहले वो 4 हत्याओं को भी अंजाम दे चुका है। जब 18 साल पूरे किए तभी माया ने अपनी गैंग के साथी की बर्थडे पार्टी से लौटते समय 2 लोगों को गोली मार दी थी। दरअसल उनकी कार से हल्की बाइक हिट हो गई थी, जिसके बाद मामा भांजे को बहुत नजदीक से सिर में गोली मार दी, जिसमें हरप्रीत नाम के शख्स की मौत हो गई थी। माया ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया था ताकि इलाके में वर्चस्व कायम किया जा सके। फिलहाल माया जेल में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुभाष मोहल्ले के रहने वाले अत्तू से माया का विवाद चल रहा है। हालांकि अत्तू भी हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। आशंका जताई जा रही है कि देर रात माया गैंग के नाबालिग गुर्गो ने अत्तू गैंग के लड़के पर गोली चला दी, जिसमें समीर के पेट में गोली लगी है। वहीं बताया जा रहा है कि जिसने गोली मारी है उसके 2 बड़े भाई हत्या के मामले में पहले से जेल में बंद हैं और देर रात पीड़ित समीर पर भी जबरन वसूली के और गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।